हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो कि 18 जनवरी 2023 है, हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक इंटरव्यू छपा हुआ है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान है, इन्होंने मतलब एक दुबई का न्यूज चैनल था वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये सीखना चाहिए 3 वार जो हुआ है, किससे, इंडिया से, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे 1949 का एक हुआ, ठीक है, 47-49, फिर उसके बाद 1965 का हुआ, फिर इसके बाद 1972, और एक बार और हुआ जैसा ये भूल गए होंगे 1999 का, ठीक है। ये 4 वार या ही हो सकता है कि जो 1949 का जो वार था इसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जो 3 वार एकदम ओपन एकदम क्लियर वार हुआ था, इनमें जो है कि इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी, तो इसमें इनका इंटरव्यू आया हुआ है, तो इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने। उसके बाद जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इनका गुड गवर्नेंस शुड बी बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। देखिए, गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम या फिर जो भी प्रोग्राम एक्ट वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनके पास पहुंचे, रीच करे, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है। उसके बाद अभी देखिए, एक टेरर ग्रुप है, ठीक है, लिट्टे उसको बोलते हैं, सॉरी लिट्टे बोलते हैं, लश्कर ए तैबा बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया गया था वहाँ पे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, रेजोल्यूशन, ओके। उसके बाद चाइना वहां से अपने आप को अब्सटेंट या फिर लेफ्ट ब्लॉक कर लिया, मतलब वहां से चला गया, और इस पे जो है कि बैन करने के लिए जो कि इंडिया में इसने जो है कि अटैक का प्रोग्राम वगैरह बना रखे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो कि ये लाया गया था रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे थे क्या इंपॉर्टेंट, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं न्यूज चैनल में कि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो यूटी हमारी है, यूटी, इसमें एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब आम आदमी पार्टी की, इनके बीच में पावर शेयरिंग के टसल को लेकर के चल रहा है। तो इसमें ये चीज़ें आती हैं कि एक तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दूसरी चीज़ है लेफ्टिनेंट नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड है एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो पावर किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, इधर के इसको लेकर के डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, तो आज हम करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स का टॉपिक यही है जो डिस्कस किया जाएगा कि 1992 से लेकर के 2022 तक क्या डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आ रहे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करके जो कि करना पड़ रहा। देखिए, अभी क्या है कि टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट टू इल्डर क्लब एमंग 19 आइडिया दैट टच अ लाइव लिव। अभी क्या टेली मेडिसिन से क्या है हमें तात्पर्य, टेली मेडिसिन, जैसे मान लीजिए कि आप गूगल करिए या फिर आप ऐप पे जाइए अमेजॉन, वहाँ पे आपको जो मेडिसिन चाहिए सर्च करिए और उसको जो है कि ऑनलाइन बाय कर लीजिए, ठीक है, उससे फायदे क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और उसके बाद इजी फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद जो मतलब अब एबल नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे जाएं वो जो कि ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया में अगर आप किराने की दुकान पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी जो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन मिल, सर दर्द पेन किलर जैसी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अब इनका क्या होता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। साइड इफेक्ट इन द सेंस कि जब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर इफ यू टेक द एनी सच मेडिसिन, कॉन्सिक्वेंसेस उसका जो है कि घातक ही होगा, और इससे क्या होता है MDR जैसी चीजें हो जाती है। MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, इसका एक होता है कि आपको डोज चाहिए 10 का, ठीक है, आप 8 ही का लिए तो 2 यूनिट जो कि कम रही, फिर 10 दिन के बाद फिर होता है, फिर करते, तो इससे क्या होता है ना कि ये एक समय के बाद काम करना बंद कर देती है मेडिसिन, इसी को MDR
मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस मेडिसिन बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखिए आइडेंटिफाई द मिनोरिटी स्टेटस। देखिए अभी क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं किसमें लेकर के, एक मिनोरिटी मिनोरिटी, दूसरा जो है कि कास्ट। कास्ट जैसे मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अदर, अदर में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। लेकिन जब हम मिनोरिटी में आते हैं तो ये देखते हैं कि नेशन, नेशनल लेवल पे और स्टेट या फिर रीजनल लेवल पे कौन मेजोरिटी में कौन मिनोरिटी। अगर आप इंडिया में मेजोरिटी के नाम अगर करिए तो दिमाग में आता है, मेजोरिटी बस करिए तो ये आता है कि हिंदू, हिंदू मेजोरिटी में ठीक है। लेकिन ये नेशनल लेवल पे पूरा होल मतलब कंट्री पे लेकर के, लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं ना तो स्टेट लेवल पे हिंदू भी कहीं ना कहीं वो मिनोरिटी में है। आप समझिएगा जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे और भी स्टेट्स हैं उसमें जो कि हिंदू में जो मिनोरिटी में है, अल्पसंख्यक में है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम मिनोरिटी नेशनल लेवल की बात करते हैं तो हिंद जैसे मुस्लिम हो गई, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गई, बुद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें मिनोरिटी में आती हैं। और तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया हुआ है तो उस पर देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात, रियल डक स्पेसिस साइटेड आफ्टर 94 ईयर। देखिए ये एक बत्तख जिसको बोलते हैं डक इंग्लिश में बोलते हैं। अभी क्या है कि एक हमारे इंडिया में लो टक लेक है जो मेघालय में पड़ती है आपकी, तो वहां पे इस स्पीसीज को आइडेंटिफाई, तो हमारे लिए ये लोकट मेघालय में जो मिजोरम में पड़ती है, तो ये जो वहां पे पाई गई तो हमारे लिए एल लोकट जो कि लेक ही पड़ी। देखिए इसमें क्या है ना, ये फ्लोटिंग लेक है, फ्लोटिंग इन द सेंस ये तैरती हुई एक लेक की तरह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लोकट जो कि है। उसके बाद पवन कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह जो है कि एक नए डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट इनका किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको करती है। और नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सी राजा मोहन सर का ये आर्टिकल्स है, वो एशिया सेंट्रिक आर्टिकल्स से लिखते हैं, तो हम इसको डिस्कस अलग से करेंगे एडिटोरियल में। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ है कि रॉ ओवर 26 28 प्रेसिडेंटशिप कॉप का जो UNFCCC का है, 27 जो कि अभी हुआ है कोप 27 इजिप्ट में हुआ है, अभी ये जो कि यूएई में होने वाला है सऊदी अरब अभी रात में 2023 नवंबर में या फिर अक्टूबर में होगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। देखें उसके बाद एक और आर्टिकल्स आया हुआ था, तो एक महाराष्ट्र के लीडर्स हैं, इनका ये कहना है कि इंडिया 2023 जून तक रिसेशन का जो कि सामना करेगी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि रिसेशन, व्हाट इज द रिसेशन, क्या है। एक और आर्टिकल है इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेशन पे लेके, अभी ये काफी अच्छी खुशखबरी है पूरे वर्ल्ड के लिए और थोड़ा इंडिया के लिए चिंता की बात है, चिंता की बात है अपॉर्चुनिटी में, जो चाइना है इसकी पॉपुलेशन ना 2022 में डिक्लाइन कर गई है। लेकिन इंडिया के लिए ये किस तरह की सिचुएशन बनेगी और कैसे वो काम करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल, आरबीआई वार्न स्टेट अगेंस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। अभी क्या है, अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, गुजरात में हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, तो उसने अपने मैनिफेस्टो में मतलब मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि हम जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिसे रिवाइव करेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने लोग ओपिनियन दे रहे हैं अभी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो पाया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसमें डिफरेंसेस डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, पीआईबी के अलावा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा इंडियन एक्सप्रेस में, और द हिंदू में देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। वही जो
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम सीरियस सिंसियर तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे बात करेंगे। यूनाइटेड सिक्योरिटी सेंक्शन द कमिटी ब्लैक लिस्ट लश्कर मक्की आफ्टर द बीजिंग लेफ्ट इट होल्ड। इसमें हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। एक नया ये आर्टिकल है। अभी क्या हुआ है कि अब देखते हैं श्रीलंका, श्रीलंका हमारा एक नेबर कंट्री है, हालांकि लैंड बाउंड्री नहीं लगती है। वहाँ पे जो है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो उसको कुछ लोन या फिर हेल्प चाहिए थे फाइनेंशियली। तो इंडिया इंडिया ने इसको IMFF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के थ्रू जो है कि कुछ फंड्स जो है कि प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए काफी क्या है। अभी क्या है कि उड़ीसा में क्या है कि कुछ मतलब जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ की जो कम्युनिटी है ना उनको नेशनल हाईवे क्रॉस करने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है मीन्स के लिए कि अगर मान लीजिए कहीं ह्यूमन हैबिटेट से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो क्या ह्यूमन की फैसिलिटी के लिए कुछ वहाँ के रीजन्स के जो पीपल्स हैं रेजिडेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। अभी बैन, अभी क्या आंध्र मूव अगेंस्ट नोट द बैन ऑन द पब्लिक रैली, पब्लिक रैली पे लेकर के हैं। फिर उसके बाद ये है केरला हाई कोर्ट इम्प्लीमेंट सब कनेक्टर पैनल, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल। जलीकट्टू पोंगल जो होता है तमिलनाडु में, उसमें देख लेते हैं जो ये है पिक्चर देख रहे हैं उसमें बुल टैमिंग को कर लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें लोगों को डेथ हो जाती है। तो ये अभी टू इंस्पेक्टर डेथ का जो है कि न्यूज आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते का है इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM फॉर माइग्रेंट वर्कर के लिए, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सियल आई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 126 बर्थ एनिवर्सरी अभी सुभाष चंद्र बोस सर का है, तो इनका अभी होने वाली है, तो इस पे 23 जो कि जनवरी को होगा तो उनके बारे में ये आर्टिकल्स आया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल अभी फिनिश द फाइनल माइनॉरिटी को लेकर के है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सजेशन दिया है। अभी ये है नेक्स्ट आर्टिकल है पंजाब में देखिए ड्रग्स की बहुत ज़्यादा ही मतलब इस तरह का यूज लोग करते हैं यूथ लोग, तो इंटरनेशनल मार्केट से तो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है इसने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB इसने कहा है कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने के लिए कि हम इसको कहीं ना कहीं जो कि डीलिंक करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे पारसनाथ हिल जो हमारा बोल सकते हैं ईस्टर्न बेल्ट में पड़ जाता है, जैन कम्युनिटी वहाँ पे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी जो कि रिलीजियस सेंसिटिविटी के लिए। उसके बाद अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हो सकता है कि जल्दी ही ज्वाइंट सिटिंग जो कि एड्रेस करें। हमें पता है पार्लियामेंट होती है वो एक साल में 3 सेशन होता है, एक होती है बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन। जो बजट सेशन होता है वो ईयर का जो कि पहला जो है कि बजट सेशन होता है, ये जो है कि आपका फरवरी 1 से जो कि शुरू होता है। तो मतलब ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट हालांकि है प्रोविजन कि पार्लियामेंट को एक साल में छः महीने में मतलब दो बार मिलना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो जब ये फर्स्ट सेशन होता है तो उसको जो है कि प्रेसिडेंट ज्वाइंट जो कि सिटिंग को एड्रेस करता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है। और ये भी प्रोविजन जब फर्स्ट इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन की पहली जो मीटिंग होती है या फिर जो सेशन चलता है उस पर भी ज्वाइंट सिटिंग जो कि एड्रेस होती है। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग एड्रेस किया जाता है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि इसको पास करवाना पड़ता है, अदरवाइज अगर ये नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट ये भी सोचा जाता है कि माइनॉरिटी में चली गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेंच क्वेश्चन यूटिलिटी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को लेकर के है। नेक्स्ट आर्टिकल है अभी इंडिया और रशिया मिल करके AK-203 असॉल्ट राइफल जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया प्लान द बफर टू प्रपोज अरुणाचल प्रदेश। अभी ये बात है जैसे कि मान लीजिए कि ये इंडिया का ये ऐसे मैप होता है, एक सेकेंड हम सॉरी ये इस तरह से गड़बड़ हो गया, हम फिर से कर लेते हैं। ये इंडिया का ये मैप है ठीक है, तो ये जो मैप इंडिया का बन जाता है तो इसमें क्या है जो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पे जो कि चाइना के से इसका बॉर्डर लगता है, तो इस पर गवर्नमेंट का अभी कहना है जो अरुणाचल प्रदेश में एक बफर जोन की तरह हम एक एरिया जो कि क्रिएट करेंगे, उससे जो कि हमारे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बेटर होगा।
लैंडमार्क शिफ्ट है। उन्होंने कहा ना कि जो कि चाइना की पॉपुलेशन, जो कि रेड लाइन में देखिए चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन कर गई, लेकिन इंडिया की देख सकते हो आप अभी भी इतनी पे है, ठीक है, मतलब काफ़ी हाई हाई रेंज पे जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। चाइना की जो जीडीपी रोज है 3.1% 2022 में, जो कि मतलब ग्रोथ रेट रही 2022 में। लेकिन देखिए बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम जब कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो कि 10% है, ठीक है, और चाइना या यूएसए की जो कि 2% है, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी क्या है कि चाइना या फिर जो यूएस है, इनकी जो इकोनॉमी या जीडीपी जो है ऑलमोस्ट 20 मोर देन 20 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर की है। उसके बाद इंडिया अभी भी टारगेट रखा है कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन जो कि अपनी इकोनॉमी को बना लेंगे। बट सच्चाई है कि अगर आप 5 ट्रिलियन का अगर 10% निकालेंगे आप, तो मुझे लगता है 2.5 बिलियन उनके आसपास जो कि पहुंचेगा। लेकिन इनका जो कि 2 ही मिनट की मोर देन इंडिया के आसपास जो कि जीडीपी उतना जो कि ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो ये एक अलग जो कि स्टोरी है। सो इस वीडियो में इतना ही न्यूज हेडलाइन न्यूज में। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।